क्या 24 में बदलेगी हरियाणा की राजनीतिक हवा? 24 में किसका हो सकता है हरियाणा? मनोहर लाल खतरों के खिलाड़ी क्या लगा पाएंगे हैट्रिक? या फिर कोई और होगा हरियाणा नरेश? क्या कांग्रेस इनेलो या आम आदमी पार्टी बदल पाएगी जनता का मूड? इन्हीं सब सवालों के साथ देखिए हमारा खास प्रोग्राम राजनीति का विश्लेषण। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दैनिक भरोसा। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कम से कम 40 से 45 वर्ष हो गए इनको पत्रकारिता लाइन में। आज इनसे जानेंगे हरियाणा की राजनीति में क्या उठक पटक है या आने वाले टाइम किस राजनीति पार्टी का होगा, ये सब सवालों को लेके आज इनके साथ होंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जैसे चुनावी साल कहेंगे हम इसको, विधानसभा चुनाव हरियाणा के जो होने हैं, एक डेढ़ साल करीब रह गया, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की क्या, मतलब कि हरियाणा का क्या वो रहेगा? देखिए, वैसे तो किसी भी पार्टी का चुनाव से 2-3 महीने पहले ग्राफ का पता लगना शुरू होता है। फिलहाल तो ये है कि सभी राजनीतिक दल अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से अमित शाह की जाटलैंड में रैलियां रखी जा रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो है सोनीपत में जनसभा करने जा रहा है, बहुत बड़ी जनसभा करने जा रहा है। चौटाला की तरफ से भी पदयात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस की पदयात्रा खत्म हो चुकी है, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी भी। बीजेपी के की स्थानीय नेताओं जो है ना, वो पदयात्रा कर, अपने अपने हलके में पदयात्रा कर रहे हैं। तो चुनावी माहौल में संभावना जो है ना, उसका पता सिर्फ 2-3 महीने पहले ही लगता है। बाकी ये है कि लोग नाराज हैं बीजेपी से। जाट आंदोलन था, किसान आंदोलन था, राम रहीम वाला मामला था, रामपाल वाला मामला था, इन मामलों के बाद जो है ना, जाटों में खासकर बीजेपी के प्रति काफ़ी रोष है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जाटों को पूरा महत्व दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जाट नेता दोबारा जीत नहीं पाया। खासकर जाटलैंड में तो जितने भी जाटों को टिकट दिया, सभी चुनाव हार गए। यहाँ पे आप जो कह रहे हैं, मैं एक बार कहूँ, जैसे कि जाट आंदोलन हुआ, राम रहीम केस हुआ, रामपाल केस हुए जो हरियाणा को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि तो एक, जो उन्होंने एक काम किया, वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने हरियाणा को संभालने का काम किया, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? उनके राम मनोहर लाल खट्टर जो हैं, वो उनकी जो है पर्ची खर्ची जो थी, सिस्टम जो था, वो बहुत कारगर रहा है हरियाणा में। भ्रष्टाचार को खत्म करने में, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस खट्टर के जो जाट आंदोलन था, किसान आंदोलन था, इसमें उनकी इस तरह की भूमिका रही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इन मामलों को डील किया है, जिसके बाद हरियाणा में तो बल्कि ये कहने लगे कि मनोहर लाल खट्टर खतरों का खिलाड़ी है। जिस तरह से चौधरी देवीलाल जो था, अपने खिलाफ हर मुहिम को ठंडा कर लेते थे, उसी तरह खट्टर ने भी जितनी भी इनके खिलाफ मुहिम चली, सबको बड़े अच्छे तरीके से उसने टैकल किया है। अगर सर हम कांग्रेस की बात करें तो जी, भूपेंद्र हुड्डा के सामने इतनी चुनौतियां हैं, तमाम बातें आती रहती है पार्टी में एकजुटता, क्या जैसे पार्टी में एकजुटता है नहीं है, जैसे किरण चौधरी अपना एक अलग स्टैंड लेके चलती हैं, सहलजा आजकल उनके गढ़ की साइड, हुड्डा के गढ़ में सोनीपत में सभाएं कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है किस किन चुनौतियों का सामना, और कांग्रेस का क्या वो रहेगा इस पे पूरे चुनाव प्रकरण में? देखिए, कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, खासकर जाट बेल्ट में। और जाट बेल्ट जितनी भी है, ये पूरी तरह से 100% हुड्डा के साथ खड़ी हुई है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं हुड्डा के सामने। पहली चुनौती तो ये कि पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक साल हो गया इस चुनाव को भी, इसको भी 8-9 महीने हो चुके हैं, उदयभान को भी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बावजूद भी आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ है। और कोई भी पार्टी है, उसका जो
आधार है वो संगठन के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस का तो संगठन जो है 2008 में बिखर लिया था, 9 में चुनाव हुए थे, 2008 में जो है जितने भी पदाधिकारी थे सारे कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे। उसके बाद से आज तक संगठन ही खड़ा नहीं हुआ। 5-6 साल जो अशोक तंवर जी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उनके टाइम पे भी संगठन नहीं बना। उसके बाद शैलजा आई, शैलजा भी संगठन नहीं बना पाई। अब जो है उदय भानपुनिया को भी 7-8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक संगठन नहीं बन पाया। तो संगठन के बगैर कोई पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है ये तो भगवान ही इस चीज़ को जानता है। क्योंकि चुनाव में ना तो पिछले चुनाव में ये हालत हुई कि कई जगह तो कांग्रेस के एजेंट भी नहीं मिले, वहाँ जो है कोई थैला संभालने वाला भी नहीं था कांग्रेस का। उसके बाद जूद भी जाटलैंड में भूपेंद्र हुड्डा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बाकी चुनौतियाँ ये है कि उसको सभी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा पार्टी में। देखा जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने एक कांग्रेस के अंदर जो एक मरी खरी सी कांग्रेस उसमें जान डालने का काम किया। उसके बाद अगर प्रदेश कांग्रेस की बात करी जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, और उसमें क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो इनको संजीवनी दी है क्या ये खरे उतर पाएंगे? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो राजनीतिक गलियारों में जो बातें होती वो होती इनकी एकजुटता पे कांग्रेस की पे। तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए आपने बोला कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो कांग्रेस को हम किस उसमें लेके जाएंगे भाई, फर्स्ट सेकंड या कितना क्या हरियाणा में कैसा उनका वो रहेगा? देखिए कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी का हरियाणा में कोई आधार नहीं था 2014 से पहले। 2 या 3 सीटें बीजेपी जीतती थी। जब भी बीजेपी ने 5-7 सीटें जीती हैं वो सिर्फ गठबंधन के माध्यम से जीती हैं। गठबंधन हमेशा बीजेपी का रहा है, या एक बार तो रहा है चौधरी देवीलाल उसके बंसीलाल के साथ, और 2 बार रहा है, 3 बार रहा है बीजेपी इन लोगों के साथ। लेकिन किस कोई भी 3-5 बार गठबंधन से चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, गठबंधन कभी भी खरा नहीं उतर पाया। बीजेपी ने हमेशा ही बीच में जो है ना गठबंधन तोड़ दिया। अब जो है जजपा के साथ गठबंधन है, ये मजबूरी भी है बीजेपी के इस गठबंधन को निभाना, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है पार्टी के पास जी जी। अगर वहाँ से ये गठबंधन भी टूटता है तो फिर भविष्य कुछ नहीं है। तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जो है और चौटाला के आपस में बातचीत चलती चल रही है, भाजपा और जजपा का गठबंधन है। अब जो ओम प्रकाश चौटाला जी हुड्डा से जो मुलाकात करी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इसको क्या आप क्या संभावना है कि लोग ये कांग्रेस का इन लोगों का गठबंधन होगा? जी वैसे तो आश्चर्यप्रद बात लगती है, क्योंकि चौटाला को जो जेल हुई थी जी, उसमें चौटाला श्रेयाम कहता है, परिवार भी पूरा कहता है कि उनकी सजा करवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेन हाथ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा सजा करवाए ये वैसे संभावना भी नहीं लगती, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा कभी बदले की भावना से काम नहीं करता है। बाकी ये है कि गठबंधन की जो बात है संभावना हो सकती है, बाकी लगता नहीं है कि भाई ये गठबंधन हो जाएगा। नहीं, उनकी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा ही चर्चाएं जो है आजकल चौपाल पे लगा लो, हुक्के पे लगा लो, यही चर्चा है। और क्या गठबंधन हो सकता है? गठबंधन अगर होगा भी तो चुनाव के बाद ही हो सकता है, वैसे पहले कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। क्योंकि दोनों पार्टियों का जो आधार है वो जाट बेल्ट है, चौटाला भी जाटों का नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाटों का नेता है। तो जो भी पार्टी समझौता करेगी उसी का आधार खत्म हो जाएगा, एक ही आधार बचेगा फिर, या तो चौटाला का बचेगा या भूपेंद्र हुड्डा का बचेगा। बाकी है कि भूपेंद्र हुड्डा को भी सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जाटों में नेता जरूर है, चौटाला के बाद वही नेता हैं जो पूरी कौम को इकट्ठा कर पाए हैं, या तो देवीलाल था, देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला के पास आ गई थी पूरे जाटों की कमांड, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में भी आई है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को अभी तक जाटों का ही नेता माना जाता है, दूसरी कौम साथ नहीं लग रही है। अभी दूसरी कौम को भी महत्व देना पड़ेगा तभी जा करके हुड्डा जो है ना कामयाब होगा। शैलजा को भी साथ लेना पड़ेगा,
बाकी जो है अपना कैप्टन अभिमन्यु को, कैप्टन उसको अजय सिंह को, यादव को भी साथ लेना पड़ेगा। और इसमें जो है दूसरा एक वो क्या नाम था उसका, ज्यादातर सुरजेवाला तो अजय, किरण चौधरी को जरूर साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि किरण चौधरी का जो है ना वो प्रभाव है जाटों में, कुछ तो बंसीलाल की वजह से। बंसीलाल हरियाणा का निर्माता बोला जाता है, विकास पुरुष भी बोला जाता है। बंसीलाल ने जो है ना हरियाणा के जो रेत के टिब्बे थे वहाँ भी पानी पहुँचाया है, सड़कें पहुँचाई हैं, लाइट पहुँचाई है, आखिरी गांव में जो लाइट बंसीलाल ही लेके आया था हरियाणा में, तो उस बंसीलाल का योगदान बहुत रहा है। हालांकि योगदान चौटाला साहब का भी रहा है, इन्होंने जो पंचायतों को बहुत महत्व दिया है, पूरे पावर दे करके शक्तिशाली बनाया सारी पंचायतों को। चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों का, किसानों का बहुत भला किया है। तो उसी तरह से जिस तरह अपना भूपेंद्र हुड्डा जो है उसमें, उसने जो है ना जाट बेल्ट में खासकर बहुत अच्छा विकास किया, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, भादरगढ़ है, इन जिलों में पहले विकास नहीं था बिल्कुल भी। भादरगढ़ तो ऐसा था, एक कस्बा टाइप था, यहाँ तो जो है ना खूनी पुलिया थी कि यहाँ रोड के ऊपर वो इतना 10 फुट का रास्ता था नेशनल हाईवे पे, किसी ने भादरगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो पहले आप भूपेंद्र हुड्डा जी को ये सलाह या मशवरा देना चाहते कि अगर चंडीगढ़ की कुर्सी पे विराजमान होना है तो सभी का साथ बहुत जरूरी है। सभी का साथ है, वो किरण चौधरी और सुषमा स्वराज हरियाणा में दो ऐसी लेडीज हुई हैं जिनके सामने पुरुष की राजनीति भी जो है ना फेल हुई है, दोनों जो है ना बोल्ड लेता रही हैं। तो किरण चौधरी हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ बहुत अच्छा, इसका पहले बहुत अच्छा हो रहा है इनका आपस में, जब सुरेंद्र कार भूपेंद्र हुड्डा का भी अच्छा मेल जोल रहा है, राजनीति भी साथ की है कुछ समय के लिए। बाकी अब आकर के दोनों में मतभेद भी बहुत ज़्यादा हैं, और मतभेद किस चीज़ के हैं ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि किरण चौधरी जो है ना तो वो अध्यक्ष पद की दौड़ में है, मंत्री पद उसको वैसे ही मिल जाता है, जीतती है तो कर सरकार बनती है तो मंत्री पद उसको जरूर मिलता है, फिर पता नहीं इनके मतभेद किस बात को लेकर के, लेकिन मतभेद हैं दोनों में। तो इनको मतभेद खत्म करके पार्टी को आगे लेके चलना चाहिए। सर अब मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में जैसे कि पंजाब से जो उभर के आई है और नेशनल पार्टी बनी, गुजरात में जाके उन्होंने 5 से 7 सीटें जीती हैं और नेशनल पार्टी, अब क्या हरियाणा में भी वो आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी पंजाब की तरह अपना कुछ वो कर पाएगी, जलवा दिखा पाएगी? हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, एक नेता था इनके पास नवीन जय हिंद, जो बोल्ड भी था, जो संघर्षशील भी था, जिसके पास 2 पैसे लगाने के लिए भी थे और जो हर पार्टी से हर उससे टक्कर ले सकता था, वो इनके पास अब है नहीं। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी का कैसे पंजाब में जो था ना, पंजाब का लोग पढ़े लिखे हैं, बाहर रहते हैं ज़्यादातर, पंजाब तो सारा कनाडा अमेरिका इधर चला गया, अब जो है ना पंजाब में पंजाब में तो जो है ना बिहारी वो कर रहे हैं सारी, जो है ना पंजाब का जो सारा कारोबार है वो सारा बिहारियों के ऊपर है, खेती का भी सारा बिहार से मजदूर आता है वही करता है, इंडस्ट्री भी वही चला रहा है। पंजाब का अपना जो वर्कर था, पंजाब का जो अपना कैडर था वो तो विदेशों में जा चुका है, पंजाब का आदमी सारा का सारा जो है ना विदेशों में रहता है, बहुत ही कम जो है ना बुजुर्ग पड़े हैं गांव में, या जो है ना जिनको नौकरी पेशा नहीं है वो परिवार है, या जिनके पास जो खेती में लगे हुए हैं वही हैं। तो पंजाब की सोच में हरियाणा की सोच में दिन रात का अंतर है, हरियाणा के जो जो है ना हरियाणा में जाटों की सोच एक अलग है, यहाँ जो है किसी भी जात का दूसरी जात का जो है ना चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं किया जाता। चौधरी पंडित भगवत दयाल शर्मा पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो 6 महीने वो रहे, दूसरी बार सीएम बने तो 13वें दिन उनकी सरकार की 13वीं कर दी। सरकार तोड़ने वाले कौन थे, सारे जाट थे, चौधरी देवीलाल था, श्रीचंद था, राव वीरेंद्र था, और अपना
जितने भी थे, लहरी सिंह जी था, सारे जितने जाट नेता थे सारे एकजुट हो गए और उनको 13वें दिन उनकी सरकार गिरा दी। तो हरियाणा में जो है ना, दूसरी कौम को पसंद नहीं करते लोग। अब खट्टर बन गया सीएम, ये जाटों की मजबूरी भी थी, और मजबूरी ये थी कि मनोहर लाल खट्टर भी जो सीएम जो बना है ये नरेंद्र मोदी की वजह से बना है। नरेंद्र मोदी की छवि इस टाइप की थी कि जो 2000 चुनाव में पहले लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव होने के तुरंत बाद जो है ना हरियाणा में हवा चल पड़ी बीजेपी की, और अभी भी ये कोशिश यही रहेगी बीजेपी की लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जाए, तभी जा कर के बीजेपी कुछ गेन कर सकती है हरियाणा में। खट्टर की बात करें, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा, जो पहले ट्रम्प में जो खट्टर जी थे, जो मनोहर लाल जी थे, दूसरे ट्रम्प में आज वो खुद बयान देते कि मैं भाई परिपूर्ण हो गया और राजनीति सीख गया हूँ, क्योंकि उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने सेवा की। आज मुझे लगता है, जो मेरी अपनी जो मंशा या मेरी जो अपनी थिंक है, कि मनोहर लाल खट्टर का अगर बात करे जाए तो काम उनके बहुत अच्छे हैं, तो क्या वो हैट्रिक बनाएंगे? देखो जी, लगता तो नहीं है, क्योंकि तीसरी बार तो जो है ना लगातार चीफ मिनिस्टर बनना बहुत वैसा काम है। भूपेंद्र हुड्डा का ऐसा इतिहास भी नहीं रहा अभी शायद, मुझे जानते मुझे कि दो ट्रम्प से ज्यादा किसी को। भूपेंद्र हुड्डा भी दूसरी बार जो सीएम बना है, जी जी, सेकंड बार जब 9000 में चुनाव है तो उसको 7 सीटें उसकी कम थी, उसने भी जो है ना निर्दलियों को और इनको अजका को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई, तीसरी बार हार गया। तो वही हालत बीजेपी की हो रही है। बीजेपी ने भी पहली बार 47 सीटें जीती, दूसरी बार 40 पे आ गई। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे हवे चौटाला को लेके, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अब हवे चौटाला भी उसी उसमें अपने एक यात्रा कर रहे हैं, जो कि आज से करीब 5-7 दिन हो गए उनको चलते हुए, रोज वो 20-25 किलोमीटर चले, क्या वो जो इनेलो के अंदर जान फूंक पाएंगे या उनकी यात्रा सफल हो पाएंगी, किस उसमें आप देखते हैं इसको? उसने जो है ना इनेलो का ग्राफ तो बढ़ाया है। अब है चौटाला में जो है, जो काबिलियत चौटाला में थी वही उसके अंदर है। वो एक तो वर्कर के साथ सीधा जुड़ा रहता है, हालांकि उसकी पहले छवि दबंग की थी, जी जी, दबंग की छवि के साथ साथ वो जो है ना, फिर उसने भी ये देख लिया कि परिवार में राजनीति कैसे चली है, चौधरी देवीलाल किस तरह की राजनीति करते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किस तरह की राजनीति करते थे, तो उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं आजकल वो, कर वर्कर को पूरा वो महत्व दे रहे हैं। और जब जो नेता अपने वर्कर को महत्व देता है, देखो उसकी जो है ना फॉलोइंग तो बनती है। तो अब है चौटाला की जो यात्रा है वो काफ़ी कामयाब भी हो रही है, भीड़ भी खूब जुटा रहे हैं। दूसरी बात जो है ना, वो जो मुद्दे उठाते हैं ना विधानसभा में, बोल्ड तो वो हैं ही, डरते भी नहीं है किसी से, नो डाउट। अच्छा, मुद्दे जो उठाते हैं ना, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को वो विधानसभा में उठाते हैं और उन पर खूब बहस भी करते हैं, नेताओं के साथ टकराव भी ले लेते हैं। वो तो विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी टकराव लेने के लिए तैयार रहते हैं, खट्टर के साथ भी टकराव लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो बोल्ड है, बोल्ड के साथ जो है ना जी, उनकी छवि जिस तरह से चौटाला की छवि दिन पे दिन निखरती, पहले चौटाला के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते थे जिस तरह से अबे के बारे में कहते थे, अब चौटाला को लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलो जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने हमें कीमती समय दिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमचंद शर्मा जी, जिनसे आगे भी हम ऐसे ही लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।